अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन बख्तर, मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसको मुकम्मल देखिए और कमेंट्स में बताइएगा क्या ये फैसला जो मैं करने जा रहा हूँ ये बेहतर है, ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो आप लोग इस मामले में कमेंट्स में बताइएगा कि मैं इस काम को किस तरह अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ और आप लोग मेरी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल बनाने का मकसद पहले कुछ और था और अब चेंज हो चुका है। पहले इसको मैं एक एंजॉय के तौर पर करता था, मुझे पता था कि इनकम नहीं आएगी, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मेरी वीडियो वायरल होंगी और मेरे इनकम आनी शुरू हो जाएगी और फिर मैं इतना सोचूंगा और ये करूँगा और वो करूँगा। लेकिन आखिरकार एक साल होने के करीब और मेरे सब्सक्राइबर 1200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे 1200 सब्सक्राइबर होंगे और 2000 घंटे वॉच टाइम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब मैंने अपना जहन बदल लिया है, जहन इस तरह बदला है कि सिर्फ अपने ही जेब के लिए जहन नहीं बदला बल्कि गरीबों की मदद के लिए बदला है। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ दोस्त हों जो इस काम में मेरे साथ मदद करें। और वो काम ये है कि मैं ये चैनल मोनेटाइज करवाने के बाद गरीबों की मदद करना चाहता हूं। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं जिनके हज़ारों व्यूज़ होते हैं और उनकी इनकम आती है, वो फिर लोगों से घरों में जाकर ढूंढते हैं कि कौन लोग गरीब है, फिर उन लोगों की मदद करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही एक मैंने वीडियो देखी, उसकी पहली अर्निंग आई और उस पहली अर्निंग में से उसने कहा कि मैं इसका 30% मैं गरीबों की मदद करूंगा। लेकिन मेरे भी दिल में ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के तबसरों से, आप लोगों के कमेंट्स के साथ ये देख सकूं कि आप लोग किस तरह मेरी हेल्प करते हैं और मैं किस तरह अपना चैनल मोनेटाइज करने के बाद इस काम को आगे बढ़ाते हुए इनकम हासिल करूं और इनकम हासिल करने के बाद मैं किस तरह लोगों की गरीबों की मदद करना चाहता हूं। और वो गरीब जो स्याह पोश लोग होते हैं जो किसी को जाहिर नहीं करने देते कि हम गरीब हैं, वो उन लोगों की मदद, बल्कि उन लोगों की मदद नहीं जो सड़कों पर बैठ के लोगों का गरीबों का भी हाथ खाते हैं और वो गरीब खुद नहीं होते, उनके दो हाथ भी होते हैं और दो टांगे भी होती हैं और उसके बावजूद वो काम नहीं करते और मजदूरी नहीं करते और इस तरह का पेशा बनाया हुआ है, तो उसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल पर कमेंट्स करें और बताएं कि ये मैं काम किस तरह अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ और आप लोग इस मामले में मेरे साथ क्या हेल्प कर सकते हैं।